जो कोई भी बीजिंग आया हो और उसने ग्यूमाओ इलाके को देखा हो तो वो इन सड़कों को नहीं पहचान पाएगा। दुनिया के सामने बीजिंग की ऐसी तस्वीर ज्यादा आती है, जिंदगी से भरी हुई। कभी कभी सड़कें पार करना मुश्किल हो जाता है। हम खुश हैं, पहले से कहीं ज्यादा खुश। जब आप यहाँ के ज्यादातर लोगों से बात करेंगे तो सबको यही लगता है कि आपातकाल अब खत्म हो गया है। अगर आप शहर को देखेंगे और यहाँ पर लोगों की भीड़ को देखेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि जिंदगी अब यहाँ पुरानी रफ्तार से चलने लगी है। तापमान और स्वास्थ्य की जांच के साथ ही मास टेस्टिंग और यात्राओं पर पाबंदियां भी लगी हैं ताकि नए संक्रमण न फैलें। कोरोना वायरस ने आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित किया? ये बिक नहीं रहे हैं, लोग इन्हें अब नहीं खरीद रहे। पर ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों के पास पैसा नहीं है। अर्थव्यवस्था अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास अभी भी नौकरी है, पर मेरी तनख्वाह काटी गई है जिसकी वजह से मैं कम खर्च कर रहा हूं। तो सीखने वाली बात यह है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कोरोना मरेगा नहीं, तो अपने आप को सुरक्षित रखने में ही भलाई है। पर यहाँ के अधिकारी संक्रमण के स्थानीय मामलों से बहुत निपुणता के साथ निपट रहे हैं, जिसमें ये मास टेस्टिंग के साथ साथ सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। तो कईयों के लिए हालात के मुताबिक खुद को ढालकर आगे बढ़ना ही नया फलसफा है, और आगे बढ़ते रहो जब तक कि कोरोना वायरस का मुकम्मल इलाज नहीं मिल जाता।